देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। मुंबई के बोरीवली स्थित फोनिक्स अस्पताल के स्टाफ ने डॉक्टर डे मनाया। इससे पहले कोरोना में जान गंवाने वाले डॉक्टर्स को अस्पताल के स्टाफ ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को फूल देकर और केक काटकर डॉक्टर डे मनाया। फोनिक्स अस्पताल के डॉक्टर सौरभ संगोरे ने कहा कि कोरोना काल में लोगों की सेवा करते करते हमारे बीच के बहुत सारे डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद भी डॉक्टर्स कोरोना मरीजों की सेवा बिना किसी डर या भय के कर रहे हैं। डॉक्टर्स डे के मौके पर सभी डॉक्टरों ने ईश्वर से यही दुआ मांगी है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर न आए और भारतवर्ष को डेल्टा वायरस से मुक्ति दिलाए। अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर बोरीवली के फोनिक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि खुद भी जागरूक हों, लोगों को भी जागरूक करें ताकि कोरोना नियमों का पालन हो और भारत से हमेशा हमेशा के लिए कोरोना वायरस चले जाए। तो वहीं बच्चों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिल्पा सौरभ संगोरे ने कहा कि बच्चों को थर्ड वे या किसी भी तरह के वायरस से बचाना है तो उन्हें भीड़ भाड़ में जाने से रोके, उनके इम्यूनिटी पावर पर ध्यान दें, मास्क पहनाएं और साफ सफाई पर ध्यान दें। सबसे पहले मैं अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स को डॉक्टर्स डे पे विश करना चाहूँगी हैप्पी डॉक्टर्स डे, एंड स्पेशली टू द डॉक्टर्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस जंग में, इस बायोलॉजिकल वॉर में, उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। जो अभी प्रेडिक्शंस है अबाउट द थर्ड वेव, वो बच्चों को इन्वॉल्व कर सकती है ऐसा मानना है। सो उसके लिए मुझे इतना ही बोलना है कि जैसे हम एडल्ट्स के लिए केयर करते थे, अच्छी इम्यूनिटी रखना है, खाने का ध्यान रखना है, स्लीप पैटर्न बराबर रखना है, सो वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन इम्यूनिटी एंड दी हेल्थ। वो जितने ज़्यादा इम्यून रहेंगे उतना उस वायरस से फाइट कर पाएंगे। एंड ओवर क्राउडिंग प्लेसेस में बच्चों को ले जाना अवॉइड करना है। डेफिनेटली मास्क एंड सैनिटाइजेशन, डिस्टेंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मुझे सभी अपने डॉक्टर फ्रेंड्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे विश करना है, सबको थैंक्स बोलना है जिन्होंने कोविड में काम किया है, सपोर्ट किया है, लोगों की सेवा की है, उन सब लोगों को थैंक्स बोलना है। और मेरी यही एक इच्छा है कि कोविड जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हम अपना बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाए और लोगों का हेल्थ अच्छा रहे। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंगाड़ा है, मैं किडनी का स्पेशलिस्ट हूँ। डॉक्टर्स डे पे यही मेरे सारे दोस्तों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने जो भी मेहनत की है इस साल, हमें थोड़ा डॉक्टर्स डे पे ज़्यादा महत्व मिल रहा है क्योंकि आपकी जो मेहनत पहले कोविड के समय के पहले होती थी वो ज़्यादा दिखती नहीं थी, इस समय ज़्यादा दिख के आ रही है। इस दिन पे मैं सिर्फ जनरल पब्लिक से एक गुजारिश करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कम पेशेंट्स देखने हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपने आप का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, मास्क हाइजीन को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें और बहुत रिस्पॉन्सिबली अगर बिहेव करेंगे तो थर्ड वेव कोई डॉक्टर प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, थर्ड वेव आप खुद ही प्रिवेंट कर पाएंगे। लास्ट ईयर से जब से कोविड आया है इंडिया में, तब से हमारे जो डॉक्टर्स हैं, कलीग्स हैं, मेरे सब फ्रेंड्स डे वन से वॉरियर का काम कर रहे हैं। तो आज सेलिब्रेशन का डे है, इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे आज, बट उसके पहले मैं मेरे पूरे फिनिक्स हॉस्पिटल के परिवार की तरफ से और मेरे जो सब कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं उनके तरफ से मैं जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है ये कोविड में, पेशेंट देखते देखते उनको इन्फेक्शन हो गया और दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ, वो अपनी जान गंवा चुके हैं, तो मैं सबसे पहले तो हमारी सब टीम की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा। जहाँ तक ये कोरोना का इन्फेक्शन का सवाल है, वही है सोशल डिस्टेंसिंग, एक इम्यूनिटी अच्छा रखना और ओवर क्राउडिंग नहीं करना, और वही एक मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। और भगवान ना करे कि कोई थर्ड वेव आवे,